तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन 125 से 140 सीट पर सिमटता दिख रहा है, यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ২০২৪ लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 370 तक पहुंच जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।